बाइबल हमें बताती है कि सामरी नगर में शमौन नाम का एक जादूगर रहा करता था, जो टोना टोटका करके वहाँ के लोगों को चकित करता था और अपने आप को बड़ा पुरुष बताता था, और छोटे से बड़े तक सभी लोग उसका सम्मान करते थे और कहते थे कि यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। वह काफी समय से अपने जादू के द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित किया करता था और लोग भी उसे काफी इज्जत दिया करते थे। प्रियो, तब हम आगे देखते हैं कि एक बार फिलिप्पुस सुसमाचार सुनाते हुए सामरिया पहुंचा और वहां उसने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। जिन बातों को फिलिप्पुस ने उन्हें बताया, लोग उन्हें सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक मन होकर ध्यान लगाया। बहुत से लोगों में से अशुद्ध आत्माएं चिल्लाकर बाहर निकली और बहुत से लकवे ग्रसित तथा लंगड़े लोग भी चंगे किए जा रहे थे। जब शमौन जादूगर ने भी परमेश्वर के बारे में सुना तो उसने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा लेने के बाद वह फिलिप्पुस के साथ साथ रहने लगा। तब शमौन जादूगर फिलिप्पुस के हाथों से बड़े बड़े सामर्थ के काम और चिन्हों को देखकर आश्चर्यचकित होता था। प्रियो, यहाँ मैं आपको बता दूं कि शमौन जादूगर के द्वारा किए जाने वाले काम अंधकार की शक्तियों से प्रभावित थे। वह जादू टोना करके लोगों को आकर्षित करता था। जैसा हम आज अगर किसी जादूगर को देखें जो अपना कर्तव्य दिखाता हो तो हम भी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए प्रियो कि दुनिया में जितने भी जादूगर हैं वे सब अंधकार की काली ताकतों का इस्तेमाल करके लोगों को भरमाते हैं। आज ऐसे बहुत से जादूगर हैं जिनमें कुछ तो हाथ की सफाई के द्वारा लोगों को चकित करते हैं और कुछ तंत्र मंत्र के द्वारा लोगों के बीच में चौंकाने वाले काम करते हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु के शिष्य जो काम कर रहे थे वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभावित थे। लंगड़ों को चलाना और लकवे ग्रसित रोगियों को चंगा करना, यहाँ तक कि अशुद्ध आत्माओं को निकालने का काम भी जादू से नहीं परंतु उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होता था जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। आज भी दुनिया में जो चंगाई के काम हो रहे हैं वो सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का काम है जो अलग अलग लोगों के माध्यम से दुनिया में हो रहा है। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब प्रेरितों ने जो कि यरूशलेम में थे सुना कि परमेश्वर ने सामरिया में अद्भुत काम किया है और वहां के लोगों ने सुसमाचार पर विश्वास किया है तो पतरस और यहुन्ना को सामरिया भेजा गया। जब पतरस और यहुन्ना सामरिया आए तो उन्होंने जाकर लोगों के लिए प्रार्थना की ताकि वे पवित्र आत्मा से भर जाएं, क्योंकि सामरिया के लोगों ने फिलिप्पुस के द्वारा यीशु मसीह का सुसमाचार तो सुना था और बपतिस्मा भी लिया था परंतु पवित्र आत्मा अब तक उन लोगों के ऊपर नहीं उतरा था। तब पतरस और यूहन्ना ने उनके ऊपर हाथ रखे और वे सभी विश्वास करने वाले लोग पवित्र आत्मा से भर गए। प्रियो, उस समय प्रेरितों के हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा मनुष्य पर उतरता था क्योंकि यह अधिकार परमेश्वर ने प्रेरितों को दिया था। यह सब शमौन जादूगर ने देखा कि कैसे पवित्र आत्मा हाथ रखने के द्वारा लोगों पर उतर रहा है, तो शमौन जादूगर ने भी सोचा कि वह पवित्र आत्मा के इस अभिषेक को पतरस से खरीद लेगा ताकि वह भी जब किसी पर हाथ रखे तो वह व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाए। मतलब प्रियो, वह पवित्र आत्मा के वरदान को खरीदना चाहता था और लोगों के बीच में प्रेरितों से भी बड़ा बनने की चाहत उसके अंदर थी। इसलिए वह पतरस के पास कुछ रुपए लेकर आता है और कहता है कि यह अधिकार मुझे भी दो ताकि मैं जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। प्रियो, यहाँ पर हम एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को कभी भी खरीद नहीं सकते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार जिसको जैसा चाहता है वैसा आत्मा का दान प्रदान करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए कि पवित्र आत्मा के वरदान क्या हैं, आप कुरिन्थियों की पहली पत्री और उसके 12वें अध्याय को पढ़ सकते हैं, जिस पर हम आने वाले समय में एक संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी यहाँ एक बात समझने के लायक है कि हर कोई यह काम नहीं कर सकता है।
वे लोग जो पवित्रता के साथ जीवन जीते हैं और प्रभु के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं तथा पूरे समर्पण के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, ऐसे लोगों को ही परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रदान करता है ताकि वे प्रभु की महिमा कर सके। अगर हम यह सोचे कि प्रभु का कोई अभिषिक्त दास हम पर हाथ रखेगा तो हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। पवित्र आत्मा का दान किसी के हाथ रखने से नहीं, परंतु यह स्वर्ग में विराजने वाले परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मिलता है। कुरिन्थियों की पहली पत्री के 12 अध्याय के 11 वचन में लिखा है कि सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो प्रियो, हम इस धोखे में ना रहें कि हम किसी भविष्यवक्ता या बड़े प्रचारक के पास जाएंगे और वो हम पर हाथ रखेगा तो हम पवित्र आत्मा पा लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, अगर यह अधिकार परमेश्वर ने किसी को दिया है तो वह ऐसा कर सकता है, परंतु मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि यदि आप अपने आप को पवित्र रखेंगे और अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर देंगे और विश्वास पूर्वक प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको आपके घर पर ही या आप जिस स्थान पर रहते हैं वहीं आपको प्रभु अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भर देगा ताकि आपके द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट हो। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब शमौन जादूगर पवित्र आत्मा का वरदान खरीदने के लिए पैसे की थैली लेकर पतरस के पास आया तो पतरस ने उससे कहा कि तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से खरीदने का विचार किया है। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसलिए अपनी बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। तब शमौन जादूगर ने पतरस को उत्तर दिया कि तुम ही मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो ताकि जो बात तुमने कही है उनमें से कोई भी मुझ पर ना आ पड़े। प्रियो, इस घटना में हम कुछ बातों पर ध्यान दें। सबसे पहले हम यह समझें कि शमौन जादूगर का विश्वास सच्चा विश्वास नहीं था। उसने देखा था कि प्रेरितों के द्वारा कैसे सामर्थ्य के काम होते हैं और बहुत से लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे। जो लोगों की भीड़ उसके पास उसका जादू देखने के लिए इकट्ठी होती थी वही लोग अब फिलिपुस के पास इकट्ठे होने लगे। उसने देखा था कि जो वो नहीं कर सकता है वह काम फिलिपुस के द्वारा किया जा रहा है, अर्थात वो फिलिपुस द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों से प्रभावित था। लोगों की देखा देखी उसने भी विश्वास कर लिया और बपतिस्मा भी लिया। प्रभु ने इसके संबंध में एक दृष्टांत बताया था कि ये लोग उस पथरीली भूमि की तरह हैं, जिस पर जब वचन रूपी बीज पड़ता है तो वे सुनकर आनंद से ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन जड़ ना पकड़ने के कारण कुछ समय तक ही विश्वास में बने रहते हैं और धूप निकलने पर मुरझा कर सूख जाते हैं, अर्थात विपत्ति आने पर विश्वास से मुकर जाते हैं। प्रियो, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु को जानकर विश्वास नहीं करते। वो विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने कोई चमत्कार देखा होता है, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा समय तक प्रभु में बने नहीं रह सकते हैं। कई लोग हुए हैं जिन्होंने ऐसा ही विश्वास किया और थोड़ा सा क्लेश आने पर वह तुरंत विश्वास से मुकर गए। एक और बात पर ध्यान दे प्रियो कि शमौन जादूगर के विश्वास का उद्देश्य गलत था। वह इसलिए नहीं विश्वास करता था क्योंकि उसने सुसमाचार सुना था, बल्कि वह प्रेरितों के जैसे बनना चाहता था।